तो आज हम लोग इस पूरे GTA 5 मैप को कुछ खतरनाक क्रिसमस कार्स से एक ही बार में पार करने वाले हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, ये देख सकते हो कि यहाँ पे हैं सेंटा क्लॉस और ये मेरे दोनों दोस्त माइकल और ट्रेवर। तो आज हमें सेंटा क्लॉस और ये दोनों अपनी अपनी कार हमें देने वाले हैं ताकि हम इस पूरे के पूरे GTA 5 मैप को एक ही बार में पार कर पाए। चलो तो भाई, हम लोग सबसे पहले ट्रेवर की कार को ले चलते हैं। हाँ फ्रैंकलिन, ये लो मेरी कार। तो भाई, ये रही ट्रेवर की वो शानदार सी कार, और देख सकते हो भाई, इसने तो इसको भी कैप पहना दिया है क्रिसमस वाला। तो चलो भाई, इस शानदार सी हम लोग कार पे बैठते हैं और ले चलते हैं इसे इस मैप के पार। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग इस पे बैठ चुके हैं और ये आ चुके हैं भाई हम लोग इस रैंप पे, और देखते हैं भाई इस कार का हमारा हाईएस्ट स्पीड कितना होता है। और भाई देख सकते हो क्या सही जा रही है यार ट्रेवर की कार। और भाई साहब, इसका हाईएस्ट स्पीड देख सकते हो कि 290 तक पहुंच चुका है। तो चलो भाई, यहाँ पे देख सकते हो ये देखने में काफी ज्यादा छोटी सी है पर इसकी स्पीड काफी ज्यादा ही मस्त है। भाई देख सकते हो कि ये 300 क्रॉस कर दिया और मेरे ख्याल से ये 350 भी क्रॉस कर देगा। पर ये रैंप के लास्ट में क्या हुआ भाई, लगता है कि ट्रेवर की कार कहीं पे नीचे टच कर दी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही डिसबैलेंस हो चुकी है। और भाई देख सकते हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलो भाई, इस कार को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, ट्रेवर इसे उठा लेगा और अब हम लोग चलते हैं दोबारा से उस रैंप पे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग दोबारा से आ चुके हैं और इस बार हम लोग माइकल की क्रिसमस कार को ले चलने वाले हैं। तो चलो माइकल भाई, अपनी कार भी निकालो तुम। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मेरी शानदार सी कार तुम्हारे पीछे खड़ी है। और भाई देख सकते हो कि ये रही माइकल की शानदार सी कार, और भाई साहब इसने भी ट्रेवर की तरह ही इस कार के ऊपर हैट लगा दिया है वो वाला। तो चलो भाई, इस वाली कार पे हम लोग बैठते हैं और भाई देख सकते हो इसका इंटीरियर कितना ज्यादा ही शानदार सा लग रहा है, और पीछे हमारे सेंटा क्लॉस भी खड़े हैं। तो चलो भाई, इस वाली कार को हम लोग यहाँ पे ले आ दिए हैं रैंप के ऊपर, और देखते हैं भाई इस कार से हम लोग इस मैप को पार कर पाते हैं या फिर नहीं। क्या माइकल की कार हमारी इतनी हेल्प कर पाती है कि हम इस पूरे GTA 5 मैप को पार कर पाएं। तो भाई इसका स्पीड देख सकते हो कि 300 पहुंचने वाला है, और भाई काफी सही परफॉर्म कर रही है ये वाली। बस ट्रेवर की तरह भाई ये भी कहीं लड़ ना जाए। और भाई ये देख सकते हो कि ये आ चुका है भाई इस रैंप का एंड, और भाई साहब इसका स्पीड तो काफी ज्यादा सही चल रहा है। और भाई इसमें किसी तरीके के बूस्टर्स भी हैं जिससे देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा सही चल रही है। पर भाई ये सामने बिल्डिंग क्यों आ गया यार? भाई अगर ये सामने बिल्डिंग नहीं आया होता तो शायद हम लोग इस पूरे GTA 5 मैप को पार कर लिए होते। भाई मुझे तो लगता है हमें एक ऐसी कार चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा हाइट भी गेन कर सकें, तभी हम लोग इस पूरे GTA 5 मैप को पार कर पाएंगे। तो भाई हम लोग दोबारा से आ चुके हैं इस रैंप पे, और भाई तुम दोनों की कार बिल्कुल ही खराब है। तुम लोगों की कार से हम लोग कतई पार नहीं कर पाए। और भाई ये देख सकते हो, ये है अब मेरी क्रिसमस की शानदार कार। तो चलो भाई, इस कार में हम लोग बैठते हैं और देख सकते हो भाई ये कार एक मर्सिडीज कार है, और कितनी ज्यादा ही शानदार लग रही है। तुम देख सकते हो कैसे मैंने इसे डेकोरेट करवाया है, और इसके नंबर प्लेट पे मैंने लिखवाया है मेरी। तो भाई इसका इंटीरियर भी देख सकते हो कितना ज्यादा कूल है। और भाई हम लोग यहाँ पे चल दिए हैं इस रैंप के ऊपर, और देख सकते हो भाई इसकी स्पीड काफी ज्यादा ही तेज है उन दोनों से। तो भाई यहाँ पे हम लोग 300 स्पीड कितनी ज्यादा इजिली क्रॉस कर चुके हैं, तुम देख सकते हो। और भाई ये आ चुका है इस रैंप का एंड, और गाइस ये देख सकते हो कितनी ज्यादा ही सही जा रही है। पर यार ये डिसबैलेंस क्यों हो रही है मेरी कार? भाई मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा ही हल्की पड़ जा रही है इस पूरे मैप को पार करने के लिए। वैसे तो गाइस मुझे इस कार से काफी ज्यादा ही उम्मीदें थी यार, पर यार इसने मेरे सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, और हम लोग इस कार से सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जबकि भाई मेरी ये कार कितनी ज्यादा शानदार थी, हम लोग इससे काफी आगे तक जा सकते थे। तो भाई मैं इस कार को यहाँ पे लगा देता हूँ, और अब हम लोग चलते हैं दोबारा से उस रैंप के ऊपर, और इस बार हम लोग लेते हैं सेंटा क्लॉस की कार। तो गाइस हम लोग यहाँ पे दोबारा से आ चुके हैं इस रैंप के ऊपर, और भाई साहब इस बार हमें सेंटा क्लॉस से कार
लेनी पड़ेगी, तो सेंटा क्लॉस हमें अपनी सबसे मस्त कार दे दो आज। ठीक है, तुम बस पीछे घूम जाओ। तो भाई सेंटा ने हमें पीछे घूमने को कहा है और भाई देख सकते हो यहाँ पे सेंटा क्लॉस ने हमें ये सुपर कार दी है। और भाई इन्होंने भी इस कार के ऊपर देख सकते हो एक हैट लगाया हुआ है जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और भाई इसकी आंख से तो ये काफी ज्यादा ही गुस्सैल वाली कार लगती है। तो चलो भाई यहाँ पे हमने इस कार को ले दिया इस रैंप के ऊपर और भाई इसका स्पीड देख सकते हो कि 280 भी क्रॉस कर चुका है बड़ी आसानी से। और गाइज ये आ चुका है इस रैंप का एंड। ऑलराइट गाइज, तो देख सकते हो कि हम लोग इस रैंप से जंप कर चुके हैं और भाई ये कार कितना ज्यादा ही सही परफॉर्म कर रही है। तुम देख सकते हो भाई इसमें कुछ बूस्टर्स हैं जो कि और भी ज्यादा इसमें ऐड कर रहे हैं इसका स्पीड। और भाई 300 से हम लोग सीधे 500 पे पहुंच चुके हैं और लगता है कि भाई हम लोगों ने इस पूरे मैप के हाफ को पार कर लिया है। पर ये क्या अजीब सा साउंड आ रहा है यार, हम लोग के साथ ये कुछ होने वाला है। तो गाइज वहां पे टकराने के बाद हम लोग ये किस जगह पे आ चुके हैं, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हुआ पड़ा है और भाई मौसम भी यहाँ का काफी ज्यादा ही अलग सा लग रहा है। तो भाई लगता है कि ये सेंटा क्लॉस का कोई तरीका है हमें दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट करने का। और भाई देख सकते हो यहाँ पे क्या ही मस्त सा डेकोरेट हुआ पड़ा है और यहाँ देख सकते हो सेंटा क्लॉस का कितना बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है। और भाई यहाँ पे तो एक नई सी कार भी रखी हुई है, शायद से सेंटा क्लॉस का ये कोई नया तरीका है हमें एक नई कार देने का ताकि हम मैप को पार कर पाए। एक बार भाई हम लोग इस इग्लू के अंदर चल के देखते हैं और भाई देख सकते हो अंदर से कितना ज्यादा ही मस्त बनाया हुआ है और यहाँ पे स्नोमैन भी काफी सारे बने हुए हैं। तो चलो भाई हम लोग इस बार इस वाली कार पे शायद बैठे और क्या पता हम लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाए। और ये क्या हुआ भाई, हम लोग इस पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, शायद से हवा इतनी ज्यादा ही तेज चल रही है। और भाई ये तो काफी ज्यादा ही अजीब सा हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग इस कार पे बैठ चुके हैं और भाई ये क्या हो रहा है यार, ये देख सकते हो कि हम लोग उस पे बैठते ही इस रैंप पे आ चुके हैं दोबारा से। तो शायद से भाई ये तरीका भी सेंटा का ही होगा कि हम लोग वहाँ पे बैठे और दोबारा से हम लोग इस रैंप पे आ चुके हैं। और देख सकते हो भाई इस कार का स्पीड भी काफी ज्यादा ही अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि इस कार ने 300 स्पीड क्रॉस कर ली है और काफी तेज हम लोग पहुंच रहे हैं इस रैंप के एंड में। ऑलराइट गाइस, तो ये आ चुका है इस रैंप का एंड और भाई यहाँ से लगाते हैं एक हम लोग शानदार सा जंप। और देख सकते हो भाई ये कार काफी ज्यादा ही सही जा रही है और भाई मेरे ख्याल से कि हम लोग इस वाली कार से इस पूरे मैप को पार करने वाले हैं। और देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा ही शानदार लग रही है ये जाते हुए। और भाई ये आ चुका है माउंट चिलियार्ड, पर ये क्या होने लगा भाई, ये फ्लिप क्यों करने लगी ये कार भाई साहब, लगता है कि कोई दिक्कत आ चुकी है इस कार में इसलिए ये नीचे जा रही है। और भाई इसका तो इंजन भी अचानक से बंद हो चुका है, लगता है भाई मुझे यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो भाई लगता है कि ये कार काफी ज्यादा ही मजबूत थी क्योंकि भाई ये कार सेंटा ने दिलवाई थी, इसलिए हम लोग इस पे से बच चुके हैं। और भाई मैंने ध्यान नहीं दिया यार, इस कार के अंदर काफी सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, शायद से इसके लोड के वजह से ये मैप को पार नहीं कर पाई पूरा। तो चलो भाई हम लोग दोबारा से चलते हैं रैंप के ऊपर। सेंटा आपकी वो कार तो फेल हो चुकी इस पूरे मैप को पार करवाने के लिए, क्यों ना आप अपनी वो रेंडियर वाली व्हीकल दे दें जिससे हम इस पूरे मैप को काफी ज्यादा आसानी से पार कर पाए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप उसी से बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम ले सकते हो। चलो तो भाई यहाँ पे सेंटा तो मान गए हैं और भाई देख सकते हो कि उन्होंने ये गाड़ी भी ला दी है यहाँ पे। भाई साहब देख सकते हो ये कितनी ज्यादा ही कूल लग रही है और इसे तो भाई रैंप पे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई देख सकते हो ये सीधे ही हवा में उड़ जाती है और कितनी ज्यादा ही सही है, इससे तो हम लोग ऑब्वियसली आराम से पार कर लेने वाले हैं। तो भाई देख सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में और भाई काफी ज्यादा आसानी से पार करवा देगी इस पूरे मैप को। तो भाई देख सकते हो कि इसका स्पीड पहुंच चुका है 570 के आसपास और भाई इससे हम लोग काफी ज्यादा आसानी से पार करने वाले हैं। और ये सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है जैसा सेंटा क्लॉस बच्चों को गिफ्ट देने जा रहे हैं। भाई आज तो मैंने सेंटा क्लॉस का जगह ले लिया है बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। तो भाई देख सकते हो ये कितनी ज्यादा कूल लग रही है और भाई इतनी जल्दी ही हम लोग पहुंच चुके हैं इस माउंट चिलियार्ड के पास में। और भाई इसमें शायद से कुछ गन्स हैं क्योंकि भाई इसमें कुछ बटन्स मुझे दिख रहे हैं। तो भाई ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ गन्स भी हैं पर मुझे नहीं लगता कि सेंटा क्लॉस कभी इसका यूज भी करते होंगे। पर भाई इस सेंटा क्लॉस की व्हीकल से हम लोगों ने पूरे मैप को पार कर लिया है काफी ज्यादा ही आसानी से। तो भाई देख सकते हो कि यहाँ पे हमने
माउंट चिलियाट को भी पार किया और भाई वो आ चुका है इस पूरे के पूरे मैप का एंड। तो चलो भाई इसे हम लोग फटाफट यहाँ पे लैंड करते हैं और देख सकते हो भाई हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं इस पूरे मैप के एंड में। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने इसे लैंड किया और भाई मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सेफ लैंडिंग कर पाऊंगा। और भाई यहाँ पे हमने सेंटा क्लॉस के पूरे व्हीकल को पलट दिया है। चलो कोई नहीं भाई, इसे हम लोग सीधा कर लेंगे। तो आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और गाइस जंपिंग के अगर और वीडियोस आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर से लिख देना। इस वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड जय हिंद। See the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.